नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा, मैं आपके एसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अपन एक नई वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एसएससी ने अभी निकाली है। अपन इससे पहले बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बात कर चुके हैं। दोस्तों, इस साल बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने सामने आ रही है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कब सही साबित होगी, कब वरदान साबित होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एसएससी ने अभी ऑडिट ऑफिसर यानी अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर और ऑफिसर्स, बहुत सारी जेएसओ, ऐसी बहुत सारी पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी निकाली है। तो अपन बात करते हैं कि किस फॉर्म को कौन भर सकता है, किस पोस्ट के लिए कौन एप्लीकेबल है और कौन सा पेपर उसे देना है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं। दोस्तों, अपनी इस एसएससी के लिए जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 5 मई, यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 5 मई से स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट है 6 जून, और जो इसका टायर 1 है उसका एग्जाम होने की संभावना जो है वो है 25 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं कितने कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, किस पोस्ट के लिए कौन लोग एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। जो पोस्ट है ऑडिट ऑफिसर की और अकाउंट ऑफिसर की, वो कौन भर सकते हैं? जिन लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखी हो, यानी जिनके पास बैचलर डिग्री हो वो, प्लस जिन्होंने मास्टर इन कॉमर्स कर रखा हो, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज कर रखा हो या मास्टर इन बिजनेस कर रखा हो, इनमें से जो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप ऑडिट ऑफिसर के लिए या अकाउंट ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरा निकाला है जेएसओ, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ। इसको कौन भर सकता है? जिन लोगों के पास बैचलर डिग्री तो हो पर 12th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, किसमें? मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, किसमें? 12th में, वो भी मैथमेटिक्स के अंदर एटलीस्ट, यानी मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60। ठीक है, उसके बाद बाकी जो पोस्ट है उसमें केवल और केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें जो एग्जाम होने हैं कितने फेजेस में होने हैं। टायर 1 CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। टायर 2nd, ये भी CBT है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। फिर टायर 3 जो कि पेन और पेपर, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी इसका जो टायर 3 होगा SSC का वो डिस्क्रिप्टिव होगा पेन और पेपर के साथ, यानी आपको खुद को डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा अपना स्किल टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट टेस्ट। ठीक है, SSC 4 फेज में होगा, पहला CBT है, दूसरा CBT, तीसरा जो है वो है अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी आपका एक एग्जाम आएगा जो आज तक अपन बोर्ड एग्जाम देते थे, डिस्क्रिप्टिव आपको पेपर डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट करना। किस टायर में क्या सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम है, ये सब बात अपन आज डिस्कस करते हैं। टायर इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। यानी टायर जो फर्स्ट है, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट था, उसमें क्या क्या आएगी? रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। इन सबके क्वेश्चन 25, 25, 25, यानी टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। और मार्क्स कितने हो गए? 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको टाइम मिलेगा कितना? 1 घंटा। कितना? 1 घंटे, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्क्स है वो है 0.50, जबकि नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.50। ठीक है दोस्तों, फिर टायर टू के अंदर 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में क्या है? मैथमेटिक्स। पेपर 2 में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कॉम्प्रिहेंसिव। पेपर 3 में क्या है? स्टैटिक्स है। और पेपर 4 में क्या है? जनरल स्टडीज। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश का भी 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडीज किसमें? फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स से? 200। हर एक पेपर को करने के लिए आपको टाइम 120 मिनट्स मिलेंगे, कितने? 120 मिनट्स, यानी कि हर एक पेपर, यानी पार्ट 1 अगर करना है तो आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और मार्क्स 200। इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज प्लस कॉम्प्रिहेंसिव ये जो टेस्ट होगा, इसमें भी आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, मार्क्स 200 मार्क्स के 200। ठीक है दोस्तों, ये इसमें नेगेटिव मार्किंग अलग अलग है। अगर आप पेपर 1 में बात करते हैं जो कि मैथमेटिक्स का है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 है।
लेकिन अपन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, और यदि स्टैटिक्स की बात करते हैं तो 0.50, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 0.50, ये सब नेगेटिव मार्किंग। अब किसमें कौन सा पेपर कंपलसरी, अगर आप सिंपली कोई भी पोस्ट पढ़ते हैं, अगर आप ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की पढ़ते हैं तो आपको टायर 1 तो देना ही है, अगर आप ये पास करते हैं तो टायर 2 में आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर देना कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 और पेपर 2 तो आपको देना ही, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर आप ऑडिट मैनेजर के लिए करते हो तो आपको फोर्थ नंबर का पेपर देना होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल स्टडीज यानी फाइनेंस प्लस इको, अगर आप ऑडिट के लिए करते हो। अगर आप जेएसओ के लिए करते हैं तो आपको पेपर 1, 2, 3 देना होगा, ठीक है। अगर आप ऑडिट के लिए कर रहे हैं तो पेपर 1, 2 और 4 देना, जेएसओ के लिए कर रहे हैं तो 1, 2, 3 होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग। उसके बाद अगर आप यहाँ से शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको टायर 3 में जाना का मौका मिलेगा, वहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट्स होंगे, उसमें आपको डिस्क्राइब करके बताना होगा। ये सब होने के बाद एक लास्ट स्टेप आएगा जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका क्या होगा स्किल टेस्ट, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप यूट्यूब बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9269545454, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।